एक ही दिन बचा है वुमेन्स प्रीमियर लीग को शुरू होने में। बहुत कम होता है एक ही दिन, इसलिए जल्दी जल्दी बात करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तीन टीमों का एनालिसिस, क्या क्या उन्होंने पिक किया, कैसा उनका ऑक्शन गया, कहना सुनना बाकी है। कौन सी तीन टीमें हैं? आरसीबी, यूपी वॉरियर्स और कैसे भूल सकते हैं आप, गुजरात जायंट्स। जी हाँ, तीनों टीमों के बारे में हमें बात करनी है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स। यहाँ सबसे महंगा खिलाड़ी स्मृति मंधाना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम में पिक हुई और उस टीम की कप्तान भी है। तो पहले नजर डालते हैं कि जो ऑक्शन रहा किस तरीके से। मैंने वनिता विहार से बात करी और खेलती थी पहले मेरे साथ, अब टीम का हिस्सा है, तो मैंने इनसे बात करी और पूछा कि ऑक्शन कैसा गया वनी आपकी टीम का, और क्या आप खुश हैं जिस तरीके से ऑक्शन हुआ? I would say that it was a fantastic one for us because 90% of what we wanted we eventually got it because we were prepared, we had our planning in place, we got our combinations right, what we wanted in terms of proficiency, in terms of profiling, in terms of the kind of players that we wanted, we got it right. So we were overall happy. The kind of effort that we put in, it was seen there. जी हाँ, एक अलग सी चीज़ है ना ऑक्शन। लेकिन चलिए पहले स्क्वाड पे नज़र डालते हैं, जो आरसीबी का स्क्वाड है और कौन से ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिन पर नज़र आएंगे। इनफैक्ट इनके इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत बढ़िया हैं, सोफी डिवाइन, एरन बर्न्स, हेदर नाइट, एलिस पेरी, मेगन शू, डने फनीका को ही खिलाड़ी हैं जो साउथ अफ्रीकन टीम की कप्तान थी लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुई थी, बाकी की स्टोरी आपको पता है। तो ये इनका इंटरनेशनल खेमा है और डोमेस्टिक प्लेयर्स भी हैं, ऑफकोर्स लेड बाय स्मृति मंधाना, रेणुका सिंह ठाकुर हैं जो एक फेमिलियर दो आपको नाम देखेंगे, लेकिन इनकी जो टीम है ना ये अच्छी खासी बैलेंस्ड है। ऑलराउंडर्स इस टीम में बहुत ज्यादा है और आपको अगर मैं सिर्फ टॉप ऑफ द नाम जल्दी जल्दी गिना दूं तो कनिका आहूजा, एरिन बर्न्स, ऋचा घोष क्योंकि विकेट कीपर भी हैं, दिशा कसाद, पूनम, हैदर नाइट, श्रियंका पाटिल, डने फनिका, एलिस पेरी। सो ये जो टीम है ना, इस टीम के अंदर ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो पूरा स्क्वाड है, हालांकि अंडर 19 खिलाड़ी इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कोई इनकी जरूर स्ट्रैटेजी रही होगी, क्योंकि मुझे लगता है इनकी टीम ने ऑक्शन में जाने से पहले कुछ अच्छे स्मार्ट डिसीजंस लेने की कोशिश करी होगी और प्लानिंग करी होगी। चलिए वनीता से पूछते हैं कि वनीता, हाउ प्लीज आर यू, क्योंकि कुछ सिलेक्शंस मुझे लगा आपके बहुत अच्छे थे, बट वुड यू से कि दे आर स्मार्ट बायस बाय द टीम? वी हैव हैड सम स्मार्ट सिलेक्शंस, यू नो, इन टर्म्स ऑफ पिकिंग द प्लेयर्स, वी रियली हैड, you know, things in place for us. We know what was our process in terms of picking the players. So keeping all this in mind and our intel and the scouting process, you know, we had our smart buys. Our scouting and the intel process, I think we've done a fantastic job. So it's just that, you know, we need to follow the process going forward in the tournament. जी हाँ, एब्सोल्युटली स्मार्ट होने चाहिए, और अगर इनको लगता है कि इन्होंने बेस्ट टीम पिक करी है तो फिर हमें क्या, हम तो देखने वाले, हमें तो लग ही रहा है कि इनकी टीम अच्छी है, बट जैसा खेलेंगे वो और बताएगा। आरसीबी मुझे लगता है बढ़िया टीम है, लेड बाय स्मृति मंधाना, और क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगी खिलाड़ी हैं तो वो टैग इनके साथ है, वो थोड़ा अनुभव इनके साथ है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं के कंधों पर रहेगी सबसे ज़्यादा इस टीम की। अब बात करते हैं गुजरात जायंट्स की। गुजरात जायंट्स की टीम की मेंटोर है मिताली राज, नुशीन अलकदीर जो इंडियन अंडर 19 टीम की भी कोच रह चुकी हैं, वो इस टीम के असिस्टेंट कोच है। रेचल हेन्स, फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया कैप्टन प्लेयर, अभी हाल ही में रिटायर हुई, इस टीम की हेड कोच है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ग्रुप है इनका। तो चलिए इस टीम पे भी नज़र डालते हैं कि इस टीम का स्क्वाड क्या कहता है। पहले स्क्वाड पे देखेंगे तो कहेंगे कौन से इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं इस टीम के अंदर। बेथ मूनी कप्तान है, ऑफकोर्स इतने सारे रन बनाती है भारतीय टीम के अगेंस्ट, तो हम तो इनको जानते ही हैं अच्छे खासा। इस टीम के अंदर सोफिया डंकली है, एनाबल सदरलैंड, जॉर्जियो वेरहम है, डॉटिन एशले गार्डनर है, ऑफकोर्स ये जो अच्छा खासा एक सेटअप किया है विद अंडर 19 प्लेयर्स एज वेल, एंड काफ़ी सारे बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं। सो ये इनका स्क्वाड है, पर स्क्वाड से ज़्यादा आगे जाने से पहले चलिए मैंने बात करी थी नुशीन अलकदीर से कि क्योंकि सबके लिए पहली पहली बार है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो नुशीन से बात करी थी कि किस तरीके से नुशीन ऑक्शन गया और आर यू प्लीज विद हाउ द ऑक्शन वेंट फॉर द टीम? द ओवरऑल यू नो कॉम्बिनेशंस ऑफ टीम्स हैव बीन डिफरेंट, सम ऑफ द टीम्स हैव गॉट यू नो अ वेरी हैवी टॉप, some of the teams have got a heavy middle order, some of the teams have got
a good bowling attack. So, you know, either ways it complements as to what the requirements of the teams are. And it's much expected, obviously, because it's the first, we face the first auction the first time. So it was born to happen that, you know, we're going to get things panned like this. But overall, if you understand that, you know, the teams are quite well balanced because most of the teams have got the players what they wanted. It's going to be good competitive cricket. जी हाँ, एब्सोल्युटली, क्योंकि जो टीम इनके पास है ना, इसके अंदर अच्छे खासे ऑप्शंस हैं. और अगर मैं देखूं कि क्या श्योर शॉट है, ऑफकोर्स एशले गार्डनर, डिएंड्रे रॉटन इस टीम के साथ जुड़ती हैं, स्नेह राणा भी अनुभवी खिलाड़ी हैं, इंडियन मूल की सुषमा वर्मा को भी मौका मिलेगा. सो अकेली एक ऐसी टीम है जिसके प्रॉबेबली मैं 10 खिलाड़ी पिक कर सकती हूँ. और वो 10 खिलाड़ी कौन से हैं, वापस आऊँगी इसके बाद. लेकिन पहले नुशीन से एक बार और जान लेते हैं, क्योंकि इस टीम के अंदर एशले गार्डनर है एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी स्मार्ट पिक अलॉन्ग विद बेथ मूनी. पर नुशीन, आपको क्या लगता है कि डू यू एग्री दैट दीज आर वेरी स्मार्ट पिक्स, दे जस्ट हैपेंड, या आप इनके पीछे गए थे कॉन्शियसली? Look, I wouldn't say shrewd, but I would say that yes, we did have the players we wanted. Like we wanted Ash Gardner, we wanted Beth Mooney, and you know, these are the players we were targeting, and we're happy to have them in the team because obviously the kind of skill level they can get in the 11 is fabulous. क्यों ना हो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं एशले गार्डनर विश्व कप में, और विश्व कप से पहले भी एशले गार्डनर ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया. बेथ मूनी तो मैं बता ही चुकी हूँ, हमेशा रन बनाती हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया रहेगा. लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये जॉर्जिया वेरम के साथ जाते हैं, एनाबल सदरलैंड और सोफिया डंकली के बीच में किसी को मौका मिलता है या नहीं. लेकिन जैसा मैंने कहा ना, मुझे लगता है कौन से 10 खिलाड़ी हो सकते हैं कम से कम मेरे हिसाब से. मैं क्विकली बता देती हूँ, बेथ मूनी, मेघना एस मेघना दैट इज ओपन कर सकती हैं, डिएंड्रे डॉटन, हरलीन दियोल, एशले गार्डनर, वेरहम, सुषमा वर्मा, स्नेह राणा, अश्विनी कुमारी और हर्ली गाला. सो आई थिंक इन टोटैलिटी अंडर 19 की कमी बहुत ज़्यादा खलेगी नहीं. हालांकि दो खिलाड़ी हैं, परुनिका ससोदिया है इनके पास, शबनम एमडी हैं जो हाल ही के अंदर अभी अंडर 19 भी खेली थी. तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा टीम का कॉम्बिनेशन है. एंड जैसे भी हमने नुशीन से सुना ना कि दे आर हैप्पी एंड दे आर प्लीज विद इट, बस अब परफॉर्मेंस की देर है. अब यूपी वॉरियर्स की बात है, तो यूपी वॉरियर्स की जो मेंटर हैं वो हैं लीजा स्थलेकर. अब हाल ही के अंदर मेरे साथ कमेंट्री भी कर रही थी, वैसे काफ़ी सालों से कर रही है, हम तो खेलते भी थे. तो लीजा स्थलेकर से पहले जान लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये और मैं दोनों इकट्ठे ऑक्शन देख रहे थे. लेकिन ये आपको थोड़ी पता है, ये मुझे पता है, लीजा को पता है, लेकिन इन्होंने मेरे से ज़्यादा ऑक्शन देखा था क्योंकि ये मेंटर है ना. मैं तो काम कर रही थी, ऑक्शन देख रही थी, उस दिन मैच भी था हमारा साउथ अफ्रीका के अंदर. तो चलिए पहले लीजा स्थलेकर से जान लेते हैं कि लीजा, हाउ प्लीज्ड आर यू विद द ऑक्शन? आई नो यू आर वॉचिंग इट वेरी इंटेंटली, सो एट द एंड ऑफ इट ऑल, हाउ डू यू असेस द टीम? इट वॉज एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस, गिवन दैट वॉज द फर्स्ट ऑक्शन दैट आई वॉज इन्वॉल्व्ड इन, हैविंग वॉच्ड द मेन्स ऑक्शन अ नंबर ऑफ इयर्स, टू एक्चुअली बी ऑन द अदर साइड वॉज रियली डिफरेंट. I mean, auctions are good and you think you've got a bargain or you think that you've picked up the key players, but you won't know until you actually get out there and play the game. So I'm looking forward to the start of the WPL and to see how the UP Warriors go. Yeah, absolutely right. Key players pe focus karna bahut zaruri hai. Aur inke key players kaun se hain? Bhai, inko Alisa Hilly mil gayi hai jinhone kaptan banaya. Mujhe kahin na kahin laga tha ki Deepti Sharma ka number lag sakta hai kaptani ka, kyunki Indian khiladi hai na aur UP ki local प्लेयर भी हैं, बट अलीसा हिली के साथ जाए गए और खैर सरप्राइज है भी नहीं. तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इनके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन से हैं जो कि मुझे लगता है एब्सोल्यूट स्टील हैं. अलीसा हिली इनके पास हैं, ग्रेस हैरिस इनके पास हैं जो कि दोनों ही बहुत कम सस्ते दाम में मिल गए इनको. इनके पास लॉरेन बेल हैं, सीम बॉलर हैं इंग्लैंड की, सोफी एकलस्टन है लेफ्ट आर्म स्पिनर, शबनम इस्माइल, तालिया मेग्रा. भाई अगर इंटरनेशनल प्लेयरों की तरफ देखेंगे ना तो कहेंगे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, केवल चार खिला सकते हैं क्योंकि इनके पास पांचवा एसोसिएट नेशन का खिलाड़ी है नहीं. लेकिन इसमें से कौन से चार खेलेंगे उस पर हमेशा टॉसअप रहेगा. या तो शबनम इस्माइल बाहर बैठेंगी या फिर सोफी एकलसन बाहर बैठेंगी, क्योंकि तालिया मेगरा तो खेलेंगी ना, आप तो ऑलराउंडर हैं. इनके अलावा कौन से इंडियन खिलाड़ी खेल सकते हैं, वहाँ पर मुझे लगता है यूपी थोड़ा सा फंसेगी, क्योंकि अंजलि सवानी ऑफकोर्स इंडियन खिलाड़ी हैं. किरण नवगेरे आपको याद होगा, इंडियन टीम के साथ खेली थी, इंग्लैंड का दौरा इन्होंने किया था, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं किया था, लेकिन उम्मीद ज़रूर है छोटे फॉर्मेट में करने की. श्वेता सेरावत है अंडर 19 खिलाड़ी, इनफैक्ट इनके पास तीन अंडर 19 खिलाड़ी हैं, श्वेता सेरावत है, यशस्वी हैं, पार्श्वी चोपड़ा हैं. तो वापस लीजा सलेकर के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि
Were these very smart selections and are they good enough for your team? I think there was a certain guidance from the support staff of the type of cricketers that they wanted within their playing 11. To get a number of those key players will certainly hold us in good stead. I'm also pleased that we got some of the excellent under 19 players. I mean, they are the future. And if you can intersperse them with experienced campaigners, then things are looking pretty good. The fact that Dipti Sharma is in the side, a local girl as well, and then you've got the likes of Elisa Healy, Talia McGrath, two players and that will be playing in a World Cup final. I think that will be good, as well as Shabnam Ismail, who had an excellent game for South Africa only last night. So I can't wait to see the learnings that the younger players will get from interacting with those senior players. Absolutely, India under 19 players ke saath to ye jo opportunity hai international players ke saath shoulders rub karne ki, dressing room share karne ki, ye to bahut hi badhiya, isi ki cheez ki to intezar kar rahe the na Bharatiya team. Lekin ek cheez hai, halanki UP Warriors ke paas international players top class hain, domestic khiladi kahin na kahin thode se mujhe pheeke nazar aa rahe hain. To daromadar kin pe rahega? Deepti Sharma pe rahega, Devika Vaidya pe rahega. और कहीं ना कहीं वो जो चॉइस है ना कि बल्लेबाजी कौन करेगा, क्योंकि किरण नवगिरे हैं, सिमरन शेख हैं एक और खिलाड़ी जिनके पास शायद यूपी वॉरियर्स को जाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ बैलेंस करने के लिए आपको बैटिंग चाहिए और वैसे ही आपको बॉलिंग चाहिए. चार ही इंटरनेशनल खेल सकते हैं ना बाकी. तो ये चैलेंज है यूपी वॉरियर्स के साथ. लेकिन ये ऐसा मुझे लगता है, यूपी वॉरियर्स की टीम कह रही है मेरे पास अच्छे खिलाड़ी हैं, मेंटोर से तो आप सुन ही चुके हैं. तो ये सारी टीम्स का जो हमें लगा एनालिसिस वो हमने किया. आपको क्या लगता है कि बिटवीन ऑल द फाइव टीम्स जो वुमेन्स प्रीमियर लीग में खेलने वाली हैं, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर कौन सी लग रही हैं आपके हिसाब से? और आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो सरप्राइज कर सकते हैं, और कौन से खिलाड़ी हैं जिनको डेफिनेटली प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है? ये आपका होमवर्क है, आपने बताना है. एक ही दिन बचा है, भूलिएगा मत. वापस जल्द मिलेंगे डिफरेंट स्ट्रोक्स पे.